मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि इस कोरोना महामारी संकट के दौरान आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सबसे पहले मैं इस संकट के समय में भी शांति, धैर्य और संयम बनाए रखने के लिए सभी देशवासियों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कर रहे होंगे। आप सभी दूरी बनाए रखने का पूरी तरह पालन करें, अपने अपने घरों में रहें, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही घर के बाहर कदम रखें, और वो भी मास्क, चुन्नी या गमछा लगाकर आप सभी इस लड़ाई में सहयोग करें। आज कोरोना के इस संकट से निपटने में आप सभी का इस लड़ाई में खड़े रहने से बड़ी देशभक्ति और क्या हो सकती है। हम इस मुश्किल समय में आपके परिवार जनों, पति पत्नी, बच्चों, माता पिता के त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। जोखिम होने के बावजूद भी आपके सहयोग और समर्थन से ही आप इस लड़ाई को लड़ पा रहे हैं। इनको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे ये योद्धा व्यक्तिगत सुरक्षा के अभाव होने के बावजूद भी इस लड़ाई को जीतने में दिन रात एक किए हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी और समाज सेवी संगठन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की कमी होने के बावजूद इलाज कर रहे हैं। पुलिस और जवान पहरा देकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करवा रहे हैं। सफाई कर्मचारी इस मुश्किल समय में भी संसाधनों की कमी के बाद भी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगातार सफाई बनाए हुए हैं। सरकारी अफसर भी 2400 घंटे इस वायरस पर नियंत्रण पाने और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपके हमारे सहयोग के बिना इनकी लड़ाई कमजोर पड़ सकती है, और हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें इन सभी को सम्मान देना है। कई जगहों पर डॉक्टर्स के साथ गलत व्यवहार की खबरें आ रही हैं। ये काफी गलत है, क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति ऐसी नहीं है। हमें इन सब का सहयोग और समर्थन करना चाहिए। इस संकट में आप ही में से कई लोग अपने स्तर पर व्यक्तिगत प्रयास कर रहे हैं। कोई लोगों को खाना खिला रहा है, कोई मास्क बांट रहा है, कोई सैनिटाइजर बांट रहा है, कोई गरीबों तक सूखा राशन पहुंचा रहा है। मतलब हर हिंदुस्तानी कोरोना से इस लड़ाई को जीतने में एकजुट होकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आज जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी का हरेक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आप सभी योद्धाओं की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। आप किसी भी मदद या जरूरत के लिए राज्यों
या हमारे सेंट्रल कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। कांग्रेस का सिपाही आपकी हर संभव मदद करेगा। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि कांग्रेस चाहे सरकार में हो या फिर विपक्ष में, हम हर जगह इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। मुझे विश्वास है कि हम मजबूत मनोबल से इस संकट से जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे। आप सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।